हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एंड्रॉयड फ़ोन पे आप कैसे वर्ड फॉर्मेट में अपनी फ़ाइल बनाएं, एक्सेल में आप कैसे अपना डाटा एंटर करें और अपनी प्रेजेंटेशंस को एक एंड्रॉयड फ़ोन पे कैसे बना सकते हैं, इस की नॉलेज कंप्लीट नॉलेज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें सो दैट आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। और अंत में इस वीडियो को लाइक करना, आप लाइक इस वीडियो को लाइक करें एंड में जा करके। और आप शुरू करते हैं वीडियो। आपके पास अगर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन में डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, किसी में एमएस वर्ड की एप्लीकेशन दी हुई है, किसी फ़ोन में जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऐप के नाम पे ये एप्लीकेशन होगी, आपने इस एप्लीकेशन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑफिस के एक आइकन आएगा, आपने उसको क्लिक करना है। जब ऑफिस क्लिक करोगे आपके पास आपकी जो मोबाइल है उस पर ये इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। अब इस फेस में और इंटरफेस में आपको इस प्लस साइन को प्रेस करना है। उसके बाद ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे, एक आपकी नोट्स नोट पैड की ऑप्शन है, लेंस की ऑप्शन है और थर्ड आपकी डॉक्यूमेंटेशन की है। आपने डॉक्यूमेंटेशन की पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह के तीन फॉर्मेट्स आ जाएंगे। ये वर्ड फॉर्मेट में अगर आपने फाइल बनानी है उसका अलग आ जाएगा, देन एक्सेल फॉर्मेट में बनानी है या पावर पॉइंट फॉर्म बनानी है। अब वर्ड फॉर्मेट में तीन अलग अलग आपको कैटेगरीज करा हुआ है। जैसे फर्स्ट अगर आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करना तो आप वर्ड फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आप जाके नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं या क्रिएट टैम्पलेट। टैम्पलेट्स में ऑलरेडी आपको टैम्पलेट्स दिए होते हैं, आप उसमें चेंजेस करके अपनी फाइल बना सकते हैं। इसी तरह से एक्सेल में तीन है, इसी तरह से पावर पॉइंट में तीन ऑप्शन हैं। स्टार्ट करते हैं वर्ड से। हमने वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमारे पास इंटरफेस आएगा, वो इस तरह से आएगा। अब इसमें हम कुछ भी चीज़ अपना जो भी हम चाहें हम उसे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी चीज़ें टाइप कर ली। अब टाइप करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैंने इस फॉर्मेट में, अब दो तरीके हैं, या तो आप स्टार्टिंग में अपना फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट का जो फॉर्मेट है वो सेट कर, आप वह सपोज वो मिस करना भूल गए हैं तो आप उसमें क्या करो, इसको जाके क्लिक इसमें जा करो, यहाँ से सेलेक्ट और कर लो। ये आपका सारा फॉर्मेट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप इस बटन को प्रेस करो, ये आपका फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद ये डिफरेंट आपके फॉन्ट्स आ जाएंगे, जो भी फॉन्ट आपको रिक्वायर्ड है उस फॉन्ट पे जाके क्लिक करके वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। देन यहाँ पे जाके आप उसको फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसको इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करना है, यह आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये फाइल यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो ये हाईलाइट कर सकते हैं आप सिस्टम में। यहाँ पर आपने कलर चेंज करना वो कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने क्लियर फॉर्मेट करना वो भी इस पर्टिकुलर हो सकता है। ये बुलेट नंबरिंग, यहाँ पे अलाइनमेंट्स आपके डिफरेंट हैं, पैराग्राफ ऑफ सेटिंग्स है। पैराग्राफ सेटिंग्स में अगर आपने स्पोज स्पेस स्पेशल इंडेक्ट कोई करना है, लाइन स्पेसिंग चेंज करनी है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या आफ्टर पैराग्राफ, ये सारी जो आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आपको फीचर्स मिलते हैं एमएस वर्ड में, वो सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं इसमें। इसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना नया बना सकते हैं। वंस आपका डॉक्यूमेंट बन गया, देन आप चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट को देखना उसका फॉर्मेट प्रिंट फॉर्मेट कैसा होगा, तो ये आपका प्रिंटेबल लेआउट उसका बन जाएगा। अगर सपोज आपने इस चीज़ इसका आपने प्रिंट लेना चाहते हैं तो ये चीज़ आपका यहाँ से फॉर्मेट करके आप यहाँ से उसको शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। पर बाय और प्रिंट करने के लिए आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसको अटैच करना पड़ेगा आपको प्रिंटर के साथ, उसके वेरियस मीन्स हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट था हमारा एमएस वर्ड की फॉर्मेट को, हमने कैसे एक वर्ड फॉर्मेट की फ़ाइल बना सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास अगर सपोज आप कहते हो कि हमने नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं खोलना, हमने क्रिएट टेम्पलेट में जाना है, तो क्रिएट टेम्पलेट में क्लिक करके ये मेरे पास डिफरेंट टैम्पलेट्स हो जाएंगे जो लेटेस्ट आपका एमएस ऑफिस आते हैं उनमें ये चीज़ें अवेलेबल्स हैं। तो आप वहाँ से सेम अवेलेबल जो थिंग्स हैं वो कर यहाँ पे बना सकते हैं। मीन्स आप पिक्चर्स के लिए जा पिक्चर के साथ जा सकते हैं, कुछ भी आपने करना चाहो तो आप यहाँ से। सपोज़ मैं इस टैम्पलेट पर जाता हूँ, ये टैम्पलेट की मेरी फ़ाइल ओपन होगी है। इट मीन्स अगर मैंने डेट चेंज करने में यहाँ से डेट चेंज कर सकता, यहाँ पर डेट लिखने में यहाँ पर डेट आ कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया डेट 03, उसको तो हमने कर दिया कि ये डेट का फॉर्मेट हमने इस तरह से दिया हुआ है, देन 4 मंथ है, देन यहाँ पे 2000 सपोज कहते हैं 2020। इस तरह से डेट फॉर्मेट, यहाँ से टाइटल आप चेंज कर सकते हो, ये हेडलाइन चेंज कर सकते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट उस टेम्पलेट अकॉर्डिंगली आप इसमें चेंज कर सकते हो। देन आपने सेम वही प्रोसेस से इसको आप सेव एज वो भी कर सकते हो, देन प्रिंटेड फॉर्मेट ले सकते हो। ये फॉर्मेट है जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से एक एमएस वर्ड की फ़ाइल को जो चाहे आप बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है, हमारे पास भी हमने पावर पॉइंट बनानी, तो पावर पॉइंट के लिए भी सेम आपने क्या करना है कि मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करा, ओपन करने के बाद ये मेरे पास फॉर्मेट्स आ गया।
इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंगली आपने जो यहाँ पे लिखना चाहते हैं। जैसे हम अब यहाँ से जाकर नहीं हो रहा, इसमें आपने पहले इसको एडिट फॉर्मेट करना पड़ेगा। एडिट फॉर्म में जाके आप लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए, यहाँ पे भी आप ये करना चाहते हैं तो आपने ये फॉर्मेट कर दिया, ये मैंने लिख दिया जाके। तो आप इस तरह से आपने कोई भी फॉर्मेट अपना देख सकते हैं। उसमें आप चाहते हैं कि मैं इस फॉर्मेट में इसको बोल्ड करूं, तो ये आप यहाँ पे क्लिक करके इसको पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर्मेटिंग पे जाके आप इसको कोई भी अंडरलाइनिंग, जैसे मैंने ये चेंज करना है तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली। जो भी आप करना चाहें आपको सिस्टम सारा कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली। तो ये आपका सारा सिस्टम यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आपने जो अगर और देखना है कि मैं इसमें और कुछ भी करना चाहता हूँ, तो ये फॉर्मेट आपका सारा बन तैयार हो जाएगा। इसी से हम इसको फाइल को यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे अभी न्यू स्लाइड बनाना, तो यहाँ से आप न्यू स्लाइड लेके एक नई स्लाइड ओपन हो जाएगी। तो न्यू स्लाइड के लिए फिर जाना, इसको डिलीट करना चाहो डिलीट करना चाहता हूँ हेयर, जो भी आप करना चाहते हैं आप इजीली इस फॉर्मेट में कर सकते हैं अपना। इसी तरह से सेम आता है मेरे पास एक्सेल फॉर्मेट के लिए। तो एक्सेल फॉर्मेट के लिए आप यहाँ से फिर प्लस पे जाएंगे, यहाँ से डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ से कोई भी आप एक्सेल की फॉर्मेट ओपन कर लेंगे। तो एक्सेल की फॉर्मेट ओपन करने के बाद यहाँ पे सेकेंड थिंग है, मैंने कुछ यहाँ पे अगर सपोज़ ये मैंने फाइल ओपन करी है, तो यहाँ पे मैं कुछ मैं ऐड करना, सपोज़ मैं यहाँ पे चाहता हूँ मैं नंबरिंग ऐड करूँ, तो मैं यहाँ से 1, 2, 3, 4 जो भी नंबरिंग, अगर मैंने डाउन जाना तो आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको आगे फॉर्म में लेके जाऊँ, तो ये इस पर्टिकुलर बटन से आप इसको मूवमेंट अप या डाउन जो भी चाहें आप यहाँ से करवा सकते हैं। तो ये आपका सिंपल फॉर्मेट है, फॉर्मेट है जिससे आप तीनों फाइल्स अपनी जैसे मर्जी अपने तैयार कर सकते हैं। इसके इसका मेन बेनिफिट ये है कि आपको अगर आपका डेस्कटॉप नहीं है, कैरी नहीं करना चाहते आप, तो आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन पे जाके जो फैसिलिटीज़ आपको एक डेस्कटॉप में मिलती हैं, लैपटॉप मिलती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको एंड्रॉइड फ़ोन मिल रही हैं। तो आप टाइम सेव करके अपना काम वेरी इजीली इफ़िशेंटली और इफ़ेक्टिव वे में करके अपने क्लाइंट को या अपने बॉस को, अगर स्टूडेंट है तो अपने टीचर को आप भेज सकते हैं। तो इसमें टाइम भी सेव होगा आपका और ये काफ़ी ईजी भी है, और आपके एंड्रॉयड फ़ोन का जो आपने पैसा लगाया उसका फुल यूज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है। आई होप कि आप सारा एंड्रॉयड फ़ोन पे जाके अपनी तीनों वर्ड फॉर्मेट में जो फाइल फॉर्मेट बनाना उसके बारे में सारी नॉलेज आपको कंप्लीट मिल गई होगी। एट द एंड मैं फिर कहूँगा कि अगर आप नए इस चैनल पे, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।